तो भैया आखिरकार सुष्मिता आंटी को उनके मन का मीत मिल ही गया। और क्या ढूंढा है, एकदम हीरा, करोड़ों अरबों में एक। अच्छा। अरे आंटी जी ने बहुत पुण्य किए होंगे तब जाके मिले हैं ललित मोदी। वैसे तो आईपीएल में कांड करके ललित अंकल चुप्पे से निकल लिए थे, कुछ टुच्चे टाइप के मीडिया वाले इनको भगोड़ा तक डिक्लेयर कर दिए। लेकिन सुष आंटी की नजर ठहरी पारखी, ढूंढ निकाली। अभी मजा आएगा ना। आंटी जी भी वैसे बहुत मेहनत की हैं, बहुत तलाशी तब जाके ये अंकल जी मिल पाए। मतलब पूरी लिस्ट है, विक्रम भट्ट, संजय नारंग, रणदीप हुडा, मानव मेनन और वसीम अकरम क्रिकेट वाले तो इस लिस्ट के हिस्से भर हैं। ललित अंकल तो इस लिस्ट में एकदम नए नवेले हैं। अंकल जी भी एकदम भरे बैठे थे, अब बेचारे क्या करें। जिसके पास ब्रह्मांड सुंदरी हो वो आखिर सबर करे भी तो कैसे। बस मूड बन गया, फिर सोशल मीडिया पे तड़ातड़ अपनी और सुष आंटी के एकदम रोमांटिक वाली दुई चार फोटो चिपका डाले। उधर वो फोटो डाले, इधर हंगामा हुई गया। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। एक फोटो में सोफे पे अंकल जी लेटे हैं और आंटी जी इनके ऊपर झुकी हैं। आखिर करना और दुनिया को जताना क्या चाहते हो आए? समझ रहे हो आप? इतना करीब होने के बावजूद दोनों काला चश्मा भी लगाए हैं, मतलब हद है यार। ललित अंकल इतना जल्दी में थे कि आंटी जी को बाकायदे पत्नी ही बता बैठे। इतना नहीं, खुश तो इतने हुई गए कि दूसरी ही सुष को टैग कर बैठे। अब जब इस बुढ़ापे में रसगुल्ला गुलाब जामुन खाओगे तो बदहजमी तो होगी ही। बाकी दोनों लोग खूब एंजॉय करिए और हाँ, हनीमून में इंडिया जरूर आइएगा। तो भैया दीदी, आपको आज की झक पसंद आई हो तो फौरन वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। आप सुन रहे थे मिस्टर झक्की लाल, जो बातों बातों में कर देते हैं लाल। इनकी बातों का अंदाज है निराला, सुनते रहिए हाथ में लेके चाय का प्याला। चलते हैं, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक लड़ाते रहिए झक।